हेलो दोस्तों, इंदूस परफेक्ट रेसिपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों स्वीट कॉर्न रेसिपी बनाने जा रहे हैं। स्वीट कॉर्न रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है 1.5 कप कॉर्न्स। हमने अमेरिकन कॉर्न्स लिए हैं या जो टिन में कॉर्न्स आते हैं या पैकेट में जो कॉर्न्स आते हैं वो हमने लिए हैं, क्योंकि वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। पहले हमें कॉर्न्स को उबालना है थोड़ा सा पानी, चीनी और हल्दी डाल के। हल्दी से रंग बहुत अच्छा आएगा और क्योंकि हम स्वीट कॉर्न्स बना रहे हैं तो हमने उसके लिए थोड़ी सी चीनी डालनी है। कॉर्न्स को नमक डाल के ना उबालें, नहीं तो वो हार्ड हो जाएंगे। फिर हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच बटर, लेमन जूस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला। अब एक पैन में आप बटर डालें और बटर को मेल्ट होने तक रख दें। ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है दोस्तों, जिसके अंदर सिर्फ 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और टेस्ट इसका इतना बढ़िया आता है कि मतलब मार्केट में भी अगर आप 60-70 रुपए का एक छोटा कप खरीद के खाते हो तो ये आप घर पे ही देखिएगा कितना सारा बना सकते हो। वाह, क्या मक्खन पिघल रहा है। अब हम इसके अंदर कॉर्न्स डालेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। स्वीट कॉर्न्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉर्न्स हर फ्लेवर को, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करें, तो थोड़ी थोड़ी देर पे इन कॉर्न्स को लगातार चलाते रहें। और अब हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब देखिए, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पानी उबालते समय कॉर्न्स के उसी में पानी में आप चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद है तो अभी आगे हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे तो आप खट्टा ज़्यादा डाल दीजिए। लेकिन जो ये रेसिपी हमने आपको दी है ये बिल्कुल ही एक परफेक्ट रेसिपी है, जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट स्टाइल स्वीट कॉर्न्स बन के निकलेंगे। जितना टैंजी चाहिए उतना टैंजी, जितना स्वीट चाहिए उतना स्वीट, लेकिन सबके टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके अंदर कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर लेमन जूस मिला दिया है और अब हमको लगातार तब तक चलाना है स्वीट कॉर्न्स को जब तक कि सारा का सारा लेमन जूस ये एब्जॉर्ब ना कर ले और पूरा का पूरा आप देखिएगा लेमन जूस ख़त्म हो जाएगा, तब तक हमें इसे चलाना है। स्वीट कॉर्न्स को पकाते समय दोस्तों गैस को बिल्कुल सिम पे ही रखना है, नहीं तो स्वीट कॉर्न्स हार्ड हो जाएंगे। तो लीजिए, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके लिए स्वीट कॉर्न्स की रेसिपी तैयार है और अब इनको आप ज़रूर बनाएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।